हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग्स। और गाइस, शुरुआत होने जा रही है हमारी गोलगप्पे चैलेंज के साथ। जैसे कि आपने टेबल में देखा होगा कि हमारे यहाँ पर बर्बर के गोलगप्पे रखे हुए हैं, कांजी रखी हुई है, आलू चखना भी बोल सकते हैं और मीठी चटनी भी पड़ी हुई है, और पीछे गुगलू जो कि फर्स्ट टाइम हम गुगलू की साथ चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस, काफ़ी फरमाइश थी लोगों की कि आप कोई चैलेंज वीडियो लेके आइए, तो हमने सोचा कि चलो आज हम गोलगप्पे ही चैलेंज में लाते हैं। वीडियो में मैं हारी थी, यानी अभी दो साल पुरानी। ऐसे इसने कभी भी चैलेंज की नहीं। मैं अभी मैं ना बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज तो मैं एक्सपर्ट हो गई है, खाने पीने में एक्सपर्ट हो गई है कहने का ये मीना। और ये देखिए, तो ये 25-25 हमने इक्वल डिवाइड की हुई है गोलगप्पे। तो देखिए, टाइमर लगानी है? नहीं, टाइमर क्या आपके सामने होगा। जो मैंने पनिशमेंट में बहुत ही तगड़ी चीज लेकर आई हूँ। टंटना, ये क्या हुआ? ये पनिशमेंट, जो हारेगा वो खाएगा। दोनों ये एक है? एक ही खा लो। एक मैं खा लूंगा, एक तू खा लेना। ठीक है, अभी मैंने तो, क्योंकि हम ना काफी खाते रहते हैं गोलगप्पे, अभी तो मैं काफी एक्सपर्ट हो गई हूँ। और ये मैं बता दूँ, ये बस गोलगप्पे हमने रेडीमेड लाई हुई है, मींस वही जो पापर तल के वो, और सारे मींस कहने का मींस है कि गोलगप्पे सारा जो मटेरियल है हमने घर में ही तैयार किया हुआ। और इसी को बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी भी आ चुका है, तो फिलहाल जल्दी से जल्दी इस चैलेंज को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो 7:45 हो रहे हैं। तो इस टाइम आज हम डिनर भी स्किप करेंगे और खाएंगे हम गोलगप्पे। पहले कंजी को मैं थोड़ा हिला लेती हूं। और टाइमर लगा नहीं, कोई टाइमर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पूरी रात मजे से हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइमर भी लगा दे। तो हम चाहते हैं कि फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और फटाफट इस चैलेंज को करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ की पीछे एक पॉलीथीन में रीमा ने काफी गोलगप्पे मतलब जो कि बनाए हुए हैं वो रखे हुए हैं। और गुगलू कह रहा है, एक मिनट के लिए मैं उठ जाती हूँ, इसको मैं ठंडा करा। और गुगलू को गुगलू कह रहा है कि मैं उठ जाती हूं। कि वो गोलगप्पे मैं मुझे दिखा दो, तो आई थिंक सो ये थोड़ी ये देखिए बिहाइंड द सीन आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि पीछे हमारे क्या हो रहा है। ये देखिए गुगली, नो, और ये हमें ना एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। तो गाइस, ये पॉलिथीन में गोलगप्पे ही पड़े हुए हैं। मैं एक मिनट के लिए तो ब्रेक लेती हूँ। इसको कह रही हूँ, गुगलू भोगने से पहले फटाफट ही चैलेंज शुरू करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए गाइस, इस चैलेंज को। पता नहीं मेरे फेस काफी व्हाइट व्हाइट आ रही है, आई थिंक लाइटिंग करे, कोई ना सोचे मैं इतनी व्हाइट हो गई हूँ। चल, आज की वीडियो में कोई फिल्टर नहीं लगेगा, ताली कौन सी मैं लगा दूं फिल्टर ऐसे। चलो 1-2-3 स्टार्ट। काफी टेस्टी भी, जिन को देख के मुंह में पानी, वो भी बता देना। मुझे लगता है आपने ना सेटअप कनेक्ट नहीं की हुई है कुछ, मुझे लगता है मेरा फेरी भी। वैसे रीमा को बड़े बड़े गोलगप्पे निकाल के रख के देने चाहिए, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इस चीज़ को लेकर। रीमा देखिए गाइस कैसे चम्मच से डाल रही है, और मैं फटाफट ही चम्मच इधर पड़ा हुआ, मुझे माइंड में ही नहीं है कि चम्मच से डालूं। बट मैं एक चीज़ बोलूँ ना, एक चीज़ की कमी रह गई हमारे गोलगप्पों में। आई थिंक सो, कमेंट करके बताइए क्या चीज़ की कमी होगी, जरूर बताइए। जो भी है बने बड़े टेस्टी है। गाइस, मुझे सबसे बढ़िया लगता है घर के गोलगप्पे बनाना खाने। और अभी काफ़ी देर बाद, क्योंकि कैमरे के सामने नहीं आ पा रहा हूँ मैं, तो ज़्यादातर वीडियो से हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, जो कि गोप्रो से कर रहे हैं, मतलब बाहर के जो मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, तो कैमरा कभी कभार यूज़ करना पड़ रहा है। तो इससे ये हो गया कि फ्लिप स्क्रीन की तरफ मेरा ध्यान पड़ रहा है, जो कि मैंने बड़ी ही स्टार्टिंग में कोशिश में किया था कि और बात मैं कैमरे को देखूं। बट गाइस, जो मैं मर्जी बोल दूं, रीमा कभी भी, चाहे मैं 10 मिनट बाद भी शुरू करता रीमा, तब भी ये चैनल नहीं जीतेगी। देख लेना गाइस, देख लेना हम लोग गिनना कितनी कितनी कुकी भी खा सकते हैं ऐसे पापड़, यानी नहीं फिर क्या फायदा हुआ चैलेंज का। तो गोलगप्पे है, चाहे सूखी खाओ। रीमा से हर बार यही बातें होती है, कुछ ना कुछ बहाने तो लगाने ही होते हैं इसमें।
मैं एक चीज सोच रही हूँ, इतनी खा रही हूँ कम नहीं हो रही है। ये 2 साल में मैंने काफी रिहर्सल की हुई है और काफी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस आने वाले हैं। तभी तो दिमाग थोड़ी दुबली पतली हो गई है, करने का अंडरस्टैंड समझ ही गए होंगे। रीमा आज जा रही थी सुबह से गोलगप्पे चैलेंज नहीं करने, गोलगप्पे चैलेंज आज आज दोपहर को मैं सोया हुआ था उठा के स्पेशली, चलो चलो गोलगप्पे, मुझे और भी दो तीन काम थे वो छोड़े मैंने। इसके बाद एक और चैलेंज आने वाला बड़ा जल्दी। और पहले भी मैं बता दूं कि उसका जो मटेरियल आ रहा है ना वो रीमा की मम्मी नागालैंड से भेज रही है, और सोचिए कितना खतरनाक चैलेंज होगा वो। और आज वो मतलब मिल गया, वो हमें कल पार्सल हो जाएगा और 2-4 दिन में वो भी चैलेंज आने वाला। वो जब भी वो पहुंच जाएगा वहां से भेजना और बाहर से भेजना हमारे लिए तो एक ही बात लगती है। सही है। और क्या चैलेंज हो सकता है आप हमें कमेंट करके बताइए। और वो चैलेंज पहले भी हमने किया हुआ है, आप सोच सकते होंगे कि हमारे चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस जो करते हैं उनमें से ही एक चैलेंज होगा वो जो किए हुए हैं हमने। आप बातें करते रहो ना। गाइस रीमा कभी भी नहीं जीत सकती, मैं आपको सच बात बता दूं, एक कभी भी चैलेंज नहीं जीती। शुरुआत तो बड़ी तेजी तेजी से हो रही है, देख तेजी तेजी से हो रही है, बाद में देख लेना इसने क्या करना। वो उधर क्या है पीछे? पीछे कोई नहीं है, पीछे पहले चैलेंज में ना मैं बड़े खाने को चकमा देती थी, उधर देखो कर गया और ये बेवकूफ कर देख के। अभी अभी मैं बोल रहा हूँ गुगलू देखो, वो देख देख गुगली गुगली काकी, और गुगलू भी ऐसे करके देख रहा नीचे से हमें। अरे पेट बढ़ गया। आलू भुजिया भी खाने को मिली, दर्द वाली छोकरा ये मिल गई, पनिशमेंट के लिए रेडी रखना। क्या देखो मैं खत्म भी हो रही हूँ अपना, देख अच्छा देख ले देख, मैंने तो मीठी चटनी चला के पापड़ टाइप क्यों खा रही हूँ। कुछ ना कुछ तो डाला होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो डाला होना चाहिए। मेरे चटनी देखो मीठी चटनी भी खत्म। गाइस बहुत चैलेंज नहीं हम करेंगे क्योंकि इतनी आदत नहीं है हमें चैलेंज करने की। रीमा ने पहले मुकबैंग भी शुरू किया था एक टाइम पे, एक चैनल है हमारा, बट कुछ दुबली पतली होने के कारण ना मैंने मुकबैंग का वीडियोज बंद ही करवा दी रीमा से। और सबसे ज्यादा होता है पहले सामान लाओ फिर बनाओ फिर हेल्प करने के लिए एक दो बंदे होने चाहिए, फिर मुकबैंग की वीडियो सही बनती है। नीचे गुगलो ये देखो रीमा के 3 गोलगप्पे रह गए मेरे तो इतने बड़े। मैंने कहा नहीं मैं काफी एक्सपर्ट हो गई हूँ अभी, देखो चटनी में अनफ खा रहे तभी तो रीमा फिर कह रही है। बीच में आप बक बक भी करते गया ना।
मैंने तो मुंह में ताला लगा दिया। हमेशा पहले मैं बकबक करती थी। मेरी माँ को मेरी चलाकी मालूम चल गई। पहले मैं चुप करके खा लेता था और गुगलू पता क्या कर रहा है, नीचे हो बैठ के मेरे पैर पैर को चाटी चाटी कर रहा है। तभी तो मैं कह रही थी टाइमर लगाओ। कौन सा हमें वीडियो एडिट करनी है, सीधा जैसे वैसे डाल देंगे। और गाइस आज के चैलेंज में की विन हो गई है रीमा। तो आज के चैलेंज में एक और जो कि क्या कह सकते हैं, मिर्ची खाने के लिए तैयार हो मेरे जो। नहीं नहीं चला गया ना इस बार का चैलेंज में एक क्या कहते हैं उसको, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, ट्विस्ट था। हाँ आज के चैलेंज में एक ट्विस्ट था कि जो हारेगा ना, जो जीतेगा ना वही खाएगा। वही ट्विस्ट तो यही ट्विस्ट था जो कि सबसे हमने लास्ट में बोला। तो आज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज रीमा ही जो तब तक मैं ये भी फिनिश कर लेती हूँ। अब भूख लो मेरे पैर में भी जा रहा है। गोल गप्पे दे दो। मुझे तो आलू चोखा ना काफी पसंद है, ये जो बिहारी लोग दाल चावल खा। मेरी माँ खुद बिहारी है। अब मरवा रही चल मिर्ची खा और खत्म कर। मिर्ची जो जीता वो खाएगा, कहते हैं ना प्राइस तो उसको ही मिलता है। लंबी वीडियो प्राइस हार्ड हो गया हुआ है। प्राइस तो उसको ही मिलता है वो जीता हमेशा। मेरे मजाक उड़ा देखा तो लिपी नहीं से खा। रीमा खाएगी मिर्ची, मैं खा रहा हूँ मैं इसे गोल करके। हार गया कबूल कर गाइस। इसके गोलगप्पे कम थे, मैं एक बार सच बोलूं कोई चलाकी नहीं है। इसके गोलगप्पे बड़े कम थे। अच्छा पोस्ट करके सारे गिन लेना। इसके 20 गोलगप्पे थे, मेरे 25 गोलगप्पे। अच्छा चलो 20 भी हो फिर भी देखो जीता। हाँ, तो फिर मेरा अभी आप बक बक। मुझे मालूम था ना कि तेरे सारा काम है। मैंने सीट भी नहीं बोला कि आप इधर बैठो। मेरे को काफी मिर्ची लगी है। अभी वीडियो के बीच में मैं जाके पानी भी रखना भूल गई मैं। तो गाइस ये एक तू खा ले एक ना। मैं क्यों खाऊं, मैं जीती हूँ। पहले मेरे को बड़ी पनिशमेंट मिली हुई है। अंदर से बड़ी मैं उन्हें निगल लेने दे जुर्म करना है करके। गाइस ये और मेरे बालों का थोड़ा सा भी कर भी करके मैंने ऐसे गोल गप्पे भी तो साल में खा रहे हैं। पसीना भी आ रही है। मिर्ची नहीं लगी है। नेक्स्ट चैलेंज याद रखना, इसको मैंने खिलाना आप सभी के सामने। इसको तो कनक को तो वही जोलो चीफ याद है ना, उसको एक डालना चाहिए था फिर पता लगता। चलो जी गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो जो कि एंड हो चुकी है। तो फिलहाल जिसको ये चैलेंज हमारा अच्छा लगा प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो नेक्स्ट चैलेंज देखना चाहते हैं हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि कौन सा नया। ज़्यादा कमेंट आएंगे हम जल्दी और भी चैलेंज वीडियो लाएंगे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ रीमा के शॉर्ट्स ही देखनी पड़ेगी। तो काफी एंजॉय किया हमने ना। बिल्कुल सही। और कनव ने अपना पनिशमेंट भी पूरी कर ली। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं जीतूंगी। कनव के लिए आइडिया दीजिए कौन से पनिशमेंट, कमेंट कीजिए। बाय 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 बाय।